हर पुरुषों की अधिकतर आदत होती है, काम पे जाने से पहले या तो वो किसी ना किसी दुकान पर रुकते हैं या अपने मित्रों से मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी आदत होती है। पान की दुकान पर रुक गए तो रसखान जी की एक आदत थी, वे काम पे जाने से पहले एक पान की दुकान पर जाते थे, वहां से पान लेते थे, पान खाकर अपने काम पर निकलते थे। पहले कुछ और काम करते थे, कवि थे। तो अब एक बार पान वाले ने अपनी दुकान थोड़ी ठीक ठाक की, थोड़ी नई बनाई और उस दुकान पर ठाकुर जी के बाल रूप की तस्वीर लगाई। बाल रूप यानी छोटे से ठाकुर जी, लड्डू गोपाल, उनकी तस्वीर लगाई। अब यहां दुकान नहीं लग रही है तो रसखान जी देख रहे हैं दुकान को, देखते देखते ध्यान उस तस्वीर पर जाता है। ऐसे तो नहीं जानते कौन है, वो नहीं समझते कृष्ण जी कौन है, वो तस्वीर देख रहे हैं। इतनी सुंदर तस्वीर, इतना सुंदर बालक, ये मोर मुकुट, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, इतना प्यारा मासूम सा चेहरा। देखते देखते नजर पैरों पर पड़ती है। अरे कैसे माता पिता है इसके, इतना छोटा सा बालक है, दिखने में इतना मासूम और नाजुक लग रहा है, ये जमीन पर पैर रखेगा और इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। पान वाले से कहते, अरे सुनो, ये जो बालक है ना, इसके माता पिता से कहना इसके पैरों में जूतियां पहना। अब सुबह सुबह का समय है, तब ज्यादा कमाई नहीं हुई होती है, पान वाले का दिमाग ठीक नहीं था, उसने कहा इतना है तो तुम ही ले आओ। रसखान जी चले जाते हैं वहां से। दूसरे दिन फिर सुबह के समय पान खाने आते हैं, हाथ में दो छोटी छोटी जूतियां लेकर। आकर कहते हैं उससे, अरे सुनो, मैं जूतियां लेकर आ गया, ये मैं तुम्हें भी देने नहीं कहूंगा, तुम मुझे बता दो वो रहता कहाँ है, मैं उसे दे आऊंगा। फिर वही सुबह का समय, पान वाले ने कहा वो वृंदावन में रहता है, उसका नाम श्याम है, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, ढूंढ लो। अब रसखान जी पूरे वृंदावन में ढूंढ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्या बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे ओ, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे ओ, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम।
गांव वाले आसपास आते हैं, आकर पूछते हैं किसे ढूंढ रहे हो। बोले श्याम नाम का बालक है। बोले कैसा दिखता है? श्याम नाम के तो बहुत बालक है यहाँ पर, यहाँ हर घर में बच्चा श्याम नाम का ही होता है। तो वो कैसा दिखता है भुलिया बताओ। तो रसखान जी क्या कहते हैं? वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके पहनता मोर मुकुट है। नैना उसके कजरा नन्हे से प्यारे, नैना उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे। बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे, बड़े दिलकश है नजारे। घायल करने दी है दिल को, घायल कर देती है दिल को। उसकी एक मुस्कान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे पर एक सज्जन आते हैं, आकर पूछते हैं रसखान जी से, अरे मुझे बताओ किसे ढूंढ रहे हो। रसखान जी ने बताया, छोटा सा बालक है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट पहनता है। तो वो सज्जन क्या कहते हैं? समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है। है वो बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। अरे नहीं नहीं, रसखान जी कहते बाके बिहारी कोई और बालक होगा। पान वाले ने कहा था उसका नाम श्याम है, श्याम नाम का बालक है। तो वो सज्जन कहते हैं, कहीं वो श्याम कहता कहीं पर कृष्ण मुरारी, कहीं वो श्याम कहता कहीं पर कृष्ण मुरारी। कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों कहीं है जग में
श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। मंदिर तक तो वो सज्जन पहुंचा देते हैं, फिर कहते हैं अंदर ही बैठा है वो बालक। रसखान जी अंदर जाने ही लगते हैं कि पंडित जी बाहर आते हैं। अरे अरे अरे, कहां चले जा रहे हो तुम? तुम अंदर नहीं आ सकते? रसखान जी ने कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है, बस एक मिनट में काम कर वापस बाहर आ जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, इस मंदिर में तुम्हारा प्रवेश नहीं हो सकता। रसखान जी कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है। पंडित जी तो मना करके चले जाते हैं, बाहर द्वारपालों से भी कह देते हैं इसे अंदर मत आने देना। अब वो सीढ़ी पर ही रसखान जी बैठ जाते हैं, क्या सोचते हुए, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही ओ, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। Thank you.
महाराज, यहाँ इंतजार करते करते पूरी रात बीत जाती है, पूरी रात रसखान जी बैठे रहते हैं। सुबह सुबह अचानक एक आहट होती है, खड़े होते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। जाग कर रात बिताई, भोर होने को आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। कभी वो दाएं देखे, कभी वो बाएं देखे। वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो चरणों में ही हो, झुकी नजर तो चरणों में ही। बैठा नन्हा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे ओ, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रसखान जी उन्हें देखते हैं, जूतियां पहनाने के लिए पैर उठाते हैं। पैर उठाते ही तो जो नजारा देखा, कितने ही कांटे चुभे हैं, छाले पड़ गए हैं। रसखान जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बालक धरती पर पैर रखेगा और इसके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। पहले ही बता देते तुम यहां रहते हो, मैं पहले ही आ गया होता। रसखान जी कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास मैं आता। न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। न पाँव में छाले पड़ते, न चुभता कोई। ठाकुर जी जवाब देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने
ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसी रूप में दर्शन देता हूँ। द्रौपदी जी के समय बाद में द्रौपदी जी ने कहा कि आपको आने में इतनी देर क्यों लगी। भगवान कहते तुम कहती कृष्ण मुझे बचाओ मैं तुरंत आ जाता, मैं पीछे ही खड़ा था तुम्हारे। तुमने क्या कहा? हे द्वारिकाधीश मुझे बचाओ, द्वारिका के नाथ मुझे बचाओ। तो मुझे द्वारिका होकर आना पड़ा इसलिए मुझे इतनी देर लगी। तो तुमने किस रूप के दर्शन किए थे? रसखान जी ने कहा बाल रूप के। अब बाल लीलाएं ठाकुर जी ने कहा की है बताइए, वृंदावन नहीं गोकुल, गोकुल में ठाकुर जी की बाल लीलाएं हुई थी, वृंदावन में ठाकुर जी ने रास किया। तो छोटे से ठाकुर गोकुल में थे और रसखान जी कहां बैठे हैं? वृंदावन में। और बोले तुमने दर्शन भी उस तस्वीर के किए जिसमें मैंने जूतियां नहीं पहनी। तो गोकुल से वृंदावन बिना जूतियों के मुझे चल कर आना पड़ा इसीलिए मेरे पैरों में कांटे चुभे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ठाकुर जी कहते हैं छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रज धाम बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। महाराज इतनी बातें सुनकर रसखान जी क्या जवाब देते हैं? शाम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, शाम की बातें सुनकर कवि वो हुआ दीवाना, कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना, कहा बस मुझको दे दे तेरे चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, ओ श्याम प्रेम रस बरसा सोनू, खान बनारस खान बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। पूछ रहे रस खान बताओ कहाँ मिलेंगे शाम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। बोलिए भक्त और भगवान की। अब ये सब भी कैसे करे ठाकुर जी? ठाकुर जी की कृपा हम पर कैसे हो? ठाकुर जी को अपना कैसे बनाए?
किसी भी मनुष्य को, चलिए एक सांसारिक भाव से सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा, अगर किसी इंसान को हमें अपने वश में करना है तो उसे कैसे वश में करें? देखिए, इसलिए मैंने कहा सांसारिक भावना से सोचिए। ये तो आप कथा में बैठे तो अभी अच्छी भावना ही आएंगी कि प्रेम से, अच्छे व्यवहार से, ये बाहर ये भावनाएं नहीं रहती। तो सांसारिक भावना से, सांसारिक मन से सोचिए कि एक इंसान को अपने वश में करना है, उसे वश में कैसे करें? उसकी कमजोरी पकड़ लो, उसकी कोई कमजोरी पकड़ लो, अपने आप वो इंसान वश में आ जाएगा। अब भगवान को वश में कैसे करें? उनकी तो, वो तो परम पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उनकी कोई कमजोरी हो सकती है? है। वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, और असल में रोना, वो ग्लिसरीन लगा के रोना नहीं, उन्हें सब समझ में आता है, असल में रोना। ठाकुर जी खुद कहते हैं कि एक बार भक्त मेरे सामने रोकर मुझे पुकार ले और मुझे कह दे कि मैंने आज तक जो किया सो किया, पर अब मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं उसी वक्त उसके करोड़ों करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूं। वो एक बार मुझे सामने आकर पुकार ले, क्योंकि वो भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। ये भगवान की कमजोरी है।